हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट न्यू फोटोग्राफर। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ जो अगर आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं। तो बहुत बार आपने बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को या जो फोटोग्राफी के बारे में बहुत जानते हैं उनको बोलते हुए सुना होगा कि हमें हमेशा मैनुअल मोड यूज़ करना चाहिए और ऑटो मोड यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत से बिगिनर फोटोग्राफर्स को देखा है कि वो जब भी कोई उनको बोलता है कि उनको मैनुअल में फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए, तो वो गलती से लेंस के ऑटो फोकस को बंद कर देते हैं और फिर वो फ़ोटो खींचना स्टार्ट करते हैं। इससे आपको दो प्रॉब्लम हो जाएंगी कि पहले तो आपका ओवरऑल पूरे फ़ोटोज़ पे कंट्रोल नहीं रहेगा, दूसरी बात आपका फोकस पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हमारे कैमरा में अगर हम ऑटो मोड और मैनुअल मोड की बात करें तो वो लेंस की ऑटो मोड और मैनुअल मोड भी हो सकता है और आपका कैमरे का शूटिंग मोड भी ऑटो और मैनुअल हो सकता है। सही मायने में अगर बात करें तो जो भी आपको बोलता है कि मैनुअल मोड में फ़ोटोज़ खींचने चाहिए, वो एक्चुअली आपको बोलना ये चाह रहा है कि आपके कैमरे के ऊपर जो डायल है उस पर आप मैनुअल मोड सेलेक्ट करके कैमरे की हर सेटिंग अपने हिसाब से सेट करें जिससे कि आपको फ़ोटो की नॉलेज हो। लेकिन जल्दबाजी में बिगनर्स लेंस के ऑटो फोकस को बंद कर देते हैं जिससे उनका फोटोग्राफी सीखना और भी मुश्किल हो जाता है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों ने ये गलती करी होगी, बहुतों ने नहीं भी करी होगी क्योंकि आपको ये डाउट कभी आया नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये एक बेसिक और बिगिनर डाउट है इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर करना। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि लेंस का जो ऑटो फोकस मोड है वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी मोड है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलूँगा कि बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि मैनुअल मोड में फ़ोटो खींचा जाए, लेकिन ऑटो फोकस को भी हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, आपने इतने पैसे खर्च करे हैं ऑटो फोकस लेंस खरीदने के लिए, तो हमें ऑटो फोकस यूज़ करना चाहिए और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको देखते हुए ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वाइट हो गए हैं, तो हमें ऑटो फोकस यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमें जब भी ऑटो फोकस यूज़ करें हमें पता होना चाहिए कि हमें ऑटो फोकस मोड्स कौन से यूज़ करने हैं। ऑटो फोकस के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप मेरी लाइब्रेरी में वो देख सकते हैं। मैंने अलग अलग ऑटो फोकस मोड्स, अलग अलग शूटिंग मोड्स, किस शूटिंग मोड में कौन सा ऑटो फोकस मोड काम करता है और आपको कौन से ऑटो फोकस मोड से किस टाइप की फोटोग्राफी करनी चाहिए, ये सब डिस्कस किया है। तो उन वीडियोस को देख के आप लेंस के ऑटो फोकस के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे और कैमरा में ऑटो फोकस अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप मैनुअल मोड में फ़ोटोज़ खींच रहे हैं तो वो तो एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाते हैं कि कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें ऑटो फोकस काम नहीं आता और हमें मैनुअल में फ़ोटोज़ खींचने पड़ते हैं। तो बस यही थी मेरी एक बहुत सी बेसिक टिप जो अगर आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक बिगनर फोटोग्राफर हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगली बार आपको कोई बोले कि मैनुअल मोड में फ़ोटोज़ खींचो तो वो लेंस के ऑटो फोकस मैनुअल मोड की बात नहीं कर रहे हैं, वो बल्कि आपके कैमरा डायल पे जो कैमरा के ऑटो फोकस मैनुअल मोड की बात है उसकी कर रहे हैं। और अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको अपने फ़ोटोग्राफी को बेहतर करने का मौका मिलेगा और आपको बहुत बेहतरीन और खूबसूरत फ़ोटोज़ मिलेंगे। तो आज के लिए मैं यही समाप्त करता हूँ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा।